तो जी वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। भाई आज उठना पड़ा है, मैं सुबह सुबह बिल्कुल सुबह सुबह उठना पड़ा यार। अभी टाइम हो रहा है कोई 8 बज रहे हैं सुबह के, और मुश्किल से मैं 3 साढ़े 3 घंटा सोया। बस 3 साढ़े 3 घंटा यार, नींद आ रही है। लेकिन क्या करें यार, ज़रा अम्मी को डॉक्टर के लेकर जाना था आज मुझे, तो इसलिए सुबह सुबह हमें उठना पड़ा। नींद तो पूरी नहीं है, नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया, तो नाश्ते वास्ते का इसी ने, अगर यहाँ करते बैठेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वहीं जाके कहीं बाहर से कुछ खा पी लेंगे थोड़ा बहुत। तो अभी लेट हो रहा है तो जल्दी चलते हैं डॉक्टर के पास। और भाई आज बहुत सारे काम करने दिन हमें, तो जल्दी से अम्मी को दिखा के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसी बंद। बड़ी तेज की भूख लग रही है यार। बहुत जोर वाली भूख लग रही है मुझे अभी, बहुत तेज। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई, इधर से उधर भाग रहे हैं। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। बहुत तेज भूख लग रही है यार, जल्दी से पहले कुछ खाना है, कहीं सही जगह पहुंच के ना। तो जी यार, अभी हम अपनी जरा लोकेशन पे पहुंच गए हैं। अम्मी को डॉक्टर के लेके आ चुके हैं हम, तो मुझे गाड़ी में बैठना पड़ा। मजबूरन मुझे गाड़ी में बैठना पड़ा, क्योंकि यार ये पता नहीं कौन सा इलाका है, ये कोई बहुत ही कोई पुराना डॉक्टर है, कोई इनकी उम्र भी कोई 80-85 साल है, पता नहीं। अच्छा किसी ने बताया कोई अच्छा डॉक्टर है बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं इनको, ट्राई करते हैं क्या होता है फिर। ये पता नहीं कौन सा इलाका है, ये कोई है सदर के अंदर, ये सब्जी मंडी है कोई। बड़ी मुश्किल से पहुंचे इस जगह पे यार, ढूंढ 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 के मैं कम से कम मुझे 1.5 घंटा हो गया घर से निकले हुए, और इतना ट्रैफिक, और फिर यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आधा घंटा लग गया। तो अभी मैं, और जगह भी ऐसी है, यहाँ गाड़ी में बैठना ज़रूरी है एक बंदे को, क्योंकि कोई ना कोई फिर यहाँ से गाड़ी आपकी हिलवाता ही है, आगे पीछे करनी पड़ती रहती है आपको गाड़ी। तो बस अभी बैठे हैं खाली पेट, आसपास कुछ खाने पीने को भी नज़र नहीं आ रहा। और यार एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, ये पुराने इलाके ना यहाँ पे, तो ये मेरे बराबर में अखबार की दुकान है, तो सब लोग ना यहाँ पे अखबार की दुकान पे आके जो अखबार लटके हुए हैं उनको खड़े होकर पढ़ रहे हैं भाई। तो देखें, ये देखें, लोग पढ़ रहे हैं खड़े होकर अखबारों को, ये देखें, आते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। ये पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, पहले लोग बाहर आके पढ़ते थे, सारे लोग रिसाले अखबार किताबें आके पढ़ रहे हैं खड़े होकर दुकान के ऊपर ही। खरीदने में तो पैसे जाते हैं ना, बड़े हरामी हो बेटा। भाई आज हूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अब क्यों भाई एक्साइटेड बता दूँ? नहीं यार, लाइक और सब्सक्राइब तो करते नहीं हो आप लोग। मैं आपको जरा एक्साइटमेंट ही बताऊँ, बस बताऊँ अपनी कि मुझे क्या एक्साइटमेंट है आज। कर दोगे लाइक और सब्सक्राइब? चलो बताए थे यार आप लोग, कर देना लाइक और सब्सक्राइब, सही भरोसा करके बता रहा हूँ, कर देना लाइक और सब्सक्राइब। तो भाई आज हम अपनी लेने जा रहे हैं एक नई गाड़ी, हमारे भाई की है, जो वो हम आज लेने जा रहे हैं शोरूम। सबसे पहले मुझे जाके भाई को ऑफिस से पिक करना है, उनको वहां से ऑफिस से लेके, मैंने फाइल वाइल ले लिए, सब चीजें पेपर वेपर ले लिए, वहां से हम दोनों जाएंगे शोरूम। वहां शोरूम है शायद टोयोटा सोसाइटी मोटर है शायद, तो वहां से हम अपनी करेंगे गाड़ी की आज लेंगे डिलीवरी। तो भाई जल्दी से चलते हैं और गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं, सही है? तो रास्ता भी एंजॉय कराएंगे आपको। ओके, टेंशन नहीं लेनी है, बस लाइक और सब्सक्राइब करना है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो जी यही पंप पे आए थे यार, पेट्रोल वेट्रोल भराना था भाई, गाड़ी में पेट्रोल बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है यार। पेट्रोल भराते हैं फिर आगे निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ, सही है? ये भाई
भर रहा पेट्रोल, भर भी गया। तो मौसम चेक कर यार, मौसम ऐसा बेहतरीन हो रहा है, लेकिन आज मेरा बड़ा ना अजीब सी तबीयत हो रही होती है। जब भी मैं गाड़ी लेने जाता हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरा मूड अजीब सा ऑफ सा हो रहा होता है, लेकिन जब हम लेने चले जाते हैं पूरा तो ठीक हो जाता है मेरा भाई मूड। तो अभी जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो जी हम अपने भाई के ऑफिस आ गए हैं। भाई वो रहा सामने ये ऑफिस, ऑफिस इनका शीशा बड़ा गंदा हो रहा है हमारा, माजरे के साथ, नज़र गंदा आ रहा होगा आपको। तो भाई ये ऑफिस ऑफिस है इनके, तो अब इनको यहाँ से लेते हैं, फिर हम चलेंगे शोरूम। भाई गाड़ी लेनी है गाड़ी, तो कसम से खुशी बहुत होती है गाड़ी की ना मुझे। तो इंशाल्लाह ताला खैर से जाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं साथ कैरियर से, सही है शोरूम जाके, वहाँ भी इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला तो ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे अपना। ओके चले, आई वेट कर रहा हूँ उनका मैं। लो जी हमारे साथ तो भाई हो गया है अभी बहुत बड़ा गेम। हम दोनों जा रहे थे गाड़ी लेने, भाई हुआ क्या, जैसे ही हमने शोरूम में फ़ोन किया कि भाई हम आ रहे हैं गाड़ी लेने अपनी, सही है, तो उन्होंने कहा नहीं सर आप अभी नहीं आए, आप आइएगा 2-3 घंटे के बाद। 2-3 घंटे बाद गाड़ी हमने रेडी नहीं करी, हम धो वो कर रखेंगे, रेडी करेंगे, 2-3 घंटे लगते हैं इनको धोने में यार गाड़ी, 15-20 मिनट लगते हैं गाड़ी धोने में यार। गेम हो गया। अब ये मुझे यहाँ से ऑफिस से, मुझे इतनी दूर से मैं आया था, अभी घर इतना दूर है ये ऑफिस हमारे भाईजान का। तो अब मैंने देखें, अब अगर मुझे कोई काम नहीं हुआ तो मैं शाम को फिर 6 बजे तक अभी जाना है फिर वापस, अगर मुझे कुछ काम नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं 6 बजे तक वापस आऊँगा, फिर हम साथ जाएंगे, नहीं तो मैंने लेटर वेटर सब दे दी फाइल वाइल भाई को, वरना वो खुद ही ले आएंगे, फिर आपको हम घर पे गाड़ी दिखा देंगे, सही है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको शोरूम से डिलीवरी लेती हुई दिखाऊं, लेते हुए दिखाऊं गाड़ी, सही है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको डिलीवरी लेते हुए दिखाऊं गाड़ी इंशाल्लाह ताला। बस यार यही दुआ है बस कि मैं आपको दिखा दूं गाड़ी लेते हुए डिलीवरी, तो देखें क्या होता है यार आगे आगे। मूड ख़राब हो गया यार सारा, इतना मैं तैयार शैयार हो के भाई रेडी वेडी होके आए थे और यार गाड़ी नहीं ले पाए। चलें इंशाल्लाह ताला यार कोशिश करेंगे 6 बजे तक ले लें गाड़ी। ओके तो जी अभी हो गया यार कोई बहुत ही ज़्यादा बैड सीन, हम जो जा रहे थे अपनी गाड़ी की आज डिलीवरी लेने, तो भाई उन्होंने कहा यार आप 6 बजे भी ना आए आपकी गाड़ी नहीं रेडी हो सकेगी, तो आप कल आए। तो हमें मजबूरन यार कल जाना पड़ेगा। मैंने तो बड़ी इज्जत करी कि नहीं भाई दो यार आज, लेकिन वो कह रहे सर पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत समझाया उसने मुझे, मैंने फिर मैं माना, लेकिन मेरा मूड बड़ा ऑफ हो गया यार। मैं वापस आया फिर 6 बजे का उन्होंने बोला, 6 बजे भी वो लोग नहीं माने, फिर कह रहे कल, तो अब क्या करें यार। मैं घर पर आ गया था, फिर मैं किसी काम से निकल गया, व्लॉग नहीं बना पाया था, फिर अब कपड़े वपड़े चेंज करके घर पे आया, तो मैंने कपड़े वपड़े फिर चेंज किए, अब मैं जा रहा हूँ, ज़रा भूख लग रही थी, मैंने कहा यार कुछ खाने के लिए लेके आते हैं मज़ेदार सी चीज़, सही है, तो चलते हैं यार कुछ लेके आते हैं, भूख बहुत तेज़ लग रही है अभी मुझे, सही है। तो जी हमने खाने खूने के लिए भाई समोसे वमोसे पकड़ लिए हैं, ये रहे यार आजकल कुछ भी लो बंदा थोड़ा सा सामान भी ले तो 1000 रुपए तो ऐसे जाते ऐसे 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 भागते हुए पता ही नहीं चलता। झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो। तो ये ले लिया, अभी घर चलते हैं, घर चल के खाएंगे, सही है, चलो जल्दी चलते हैं। Many months later. तो जी यार जैसे तो आपको पता है आज हम निकले किस काम के लिए थे और हो क्या गया, तो आज हम निकले थे गाड़ी लेने अपनी, गाड़ी वाड़ी तो मिली नहीं यार हमें, बहुत दुख हुआ मुझे, गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आया, लेकिन कोई नहीं यार इंशाल्लाह कल जाएंगे सुबह लेने, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, सही है, बस दुआ करना साथ कैरियर से आ जाए, सही है, दुआ करिएगा। और हाँ शाम को कुछ खाने पीने के लिए जब मैं लेने गया था, फिर मैंने खा पी के भाई थोड़े काम वाम निपटाने चले गया बाहर, फिर मैं घर आया तो मैं थोड़ी देर लेटा, तो मैं ऐसा सो गया कम, मैं पूरा 1 घंटा सोया भाई, पूरा 1 घंटा सोया हूँ मैं, पूरा 1 घंटा। कौन है ये लोग? क्योंकि सुबह तो हम सिर्फ
तीन साढ़े तीन घंटा सो के उठ गए थे। तो भाई पूरा एक घंटा सोया हूँ, फ्रेश हो गया एकदम फ्रेश, खाना वाला खा लिया, फिर अभी मेरा दिल चाह गया भाई जूस वूस पीने का, तो यार आ गया यार जूस वूस पीने। भाई भाई दिल को नहीं मारना चाहिए, जब आपको जो चीज का दिल चाहे ना वो आप कर लो, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप, दिल को नहीं मारना चाहिए। सही है, दिल को मार देता है ना तो बंदा खुद ही अंदर से उदास हो जाता है, तो दिल कभी नहीं मारना अपना, जो दिल करे कर जाओ। सही है, सही काम गलत काम नहीं, समझ रहे हो। तो भाई अभी आ गए जूस वूस पीते हैं यहाँ से, फिर चलेंगे घर और फिर कर देंगे अपना व्लॉग एंड। सही है, आज का व्लॉग बड़ा ख़तरनाक हो गया यार, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, पूरी बॉडी टूट गई आज हमारी, गाड़ी चला चला के बहुत गाड़ी चलाई आज हमने। कोई नहीं यार, सुबह सो के उठेंगे तो इंशाल्लाह फ्रेश हो जाएंगे। तो यार जूस वूस पीते हैं, इसका काम उतारते हैं जल्दी से जूस का, और फिर घर चल के व्लॉग एंड करेंगे अपना। ओके, टेंशन नहीं लेनी, बस लाइक और सब्सक्राइब करना है दबा के, ठोको भाई ठोको, लाइक और सब्सक्राइब ठोको। सही है, अच्छा बहुत गंदा हो रहा है यार, लेकिन मेरा ये जूस वाला फिक्स है भाई, कितनी मैंने अच्छी अच्छी जगहों से जूस पिए, शेक्स पिए, लेकिन यार मज़ा नहीं आता इसका जो शेक है ना वो, आय हाय हाय, फ्रेश की बात ही अलग होती है भाई। क्या नहीं बोला तूने, बेहतरीन बनाता है यार ये, फ्रेश नहीं मिलता आपको यार, बस ये सफाई से बनाता है और एकदम फ्रेश बनाता है, अच्छे फ्रूट यूज़ करता है ये, वरना दुकानों वाले पता है क्या करते हैं, उनका तो फ्रिज के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है छुपा हुआ, और नज़र भी नहीं आता कि फ्रेश है या बासी है। अच्छा हमको सिखा रहा है, और ज़्यादातर वो पुराना ही होता है फ्रूट उनका रखा पता नहीं कब का, इसका अच्छा होता है यार एकदम फ्रेश। जूस मूस आ गया हमारा, मजेदार। बहुत तो जी इसी के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग भी खत्म, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सही है, आज का व्लॉग यार मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा बना है, नहीं क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो तो हुआ ही नहीं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, कल का व्लॉग बड़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी आएगा, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है भाई, गैस करो गाड़ी कौन सी है हमारी, भाई ये तो गैस करो कि गाड़ी कौन सी है हमारी। सही है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कौन सी है गैस करके। सही है, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। सही है, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलेगी यार कि ब्लॉग्स डालूं भाई आप लोगों की, अच्छे अच्छे नए नए। सही है, तो बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, हमारे ब्लॉग्स इंजॉय करते रहें, और साथ साथ देखते रहें, लेट्स सी कौन सी गाड़ी आएगी कल लेके आनी है इंशाल्लाह ताला, बस दुआ करिएगा साथ के एरिया से हम ले आएँ। सही है, तो जी इसी के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग खत्म, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।